कल रात को तो भाई साहब अभी 8 डिग्री टेम्परेचर है, 3:05 अराउंड हो चुका है और ये अटल टनल के आसपास का सीन, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, टेंट के ऊपर पूरा बर्फ जम चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सुबह हो गई 8:30 और भाई साहब रात को तो पूरे पैर वैर पूरे जम गए थे मेरे, तो 2-4 सॉक्स लगाए, फिर भी बहुत ही कठिन रात थी, लेकिन जैसे तैसे करके निकाल ली। कैंपिंग करना भी इतनी हार्श कंडीशन में थोड़ा टफ है, उतना भी आसान नहीं है, लेकिन यही एडवेंचर है और मज़ा आ रहा है। बस ठंड तो लगी थी भाई, पैरों में लगी थी, बाकी तो कहीं नहीं लगी। बर्फ बर्फ तो गिरी नहीं ना, पूरी जम गई थी, पर टेंट वगैरह टेंट के ऊपर जम गई थी। पानी तो ओस गिरी है, ज़्यादा ड्यू गिरी है, अपने बर्तन में भी जम गई थी। अच्छा अच्छा सही है। तो क्या अब नहाने का इरादा है? अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तो थोड़ी धूप सेकते हैं और फिर देखते आगे। तो फ्रेंड्स अभी सीन ये है कि आज का दिन भी यहीं पे रुका जाएगा, क्योंकि जगह हमें पसंद आ गई है। कल रात को तो भाई साहब अभी 8 डिग्री टेम्परेचर है और थोड़ा सा रिवर साइड पे बैठा जाए। ओ भाई साहब पानी इतना ठंडा है, एक बार सोच रहे थे कि आइस बात किया जाए, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है। थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी तो यहाँ पे टाइम ही टाइम है हमारे पास। और भाई साहब यहाँ पे बैठ चुके हैं, पहले ही पानी गर्म कर रहे थे पीने के लिए। मेक श्योर करें कि नदी का पानी ठंडा ऐसे ही ना पिए, इसको गर्म कर ली एक बार। तो भैया सीन ये है कि जैसे कि कल बात करी थी हमने, ये सामने रही अटल टनल और 3 से 3:30 ये बंद रहती है आई थिंक मेंटेनेंस के लिए। सो अभी हमें आधे घंटे के लिए वेट करना पड़ेगा, अभी 3:05 अराउंड हो चुका है और ये अटल टनल के आसपास का सीन, लोग लाइन में खड़े हुए हैं और हम जा रहे जहाँ पे कल कैंपिंग किया था वहाँ लकड़ियाँ लेने, क्योंकि आज जहाँ पे रुके हैं कोक्सर वहाँ पे लकड़ियाँ नहीं है और लकड़ियों के बिना तो कैंप फायर मुश्किल है और मतलब रात में बहुत दिक्कत होगी। सो लकड़ियाँ लेने जा रहे हैं हम अटल टनल के उस पार। जैसे आप वहाँ देख सकते हैं लोग बर्फ़ में खेल रहे हैं। इधर आ गया
स्पीति काजा, और ये वाला रोड उधर हो गया ले, और यहाँ से जाएंगे तो मनाली। सो चलें वेट करते हैं टनल के खुलने का। तो भैया अभी टनल शुरू हो चुकी है और बंद टनल बंद रखने का टाइम आई थिंक 2:30 से 3 बजे का है, नहीं कि 3 से 3:30। सो अच्छा है हमें वेट नहीं करना पड़ा ज़्यादा, जल्दी आ गए होते तो आधे घंटे रुकना पड़ता। सो अगेन अटल टनल के होते हुए उस पार जाएंगे लकड़ियाँ लेने। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, तो एक और सुबह, और अभी सुबह के बज चुके हैं 6:30। मैं उठ गया हूँ जल्दी जल्दी टाइम लैप्स लेने के लिए, लेकिन आपको दिखा देता हूँ कि कितनी ठंड थी बाहर। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, टेंट के ऊपर पूरा बर्फ जम चुका है रात को, और अभी ये सब बर्फ पिघलेगी पीछे। तो माय साहब जबरदस्त बर्फ जम चुकी है दोनों टेंट के ऊपर, और अभी वहाँ से सूरज निकलेगा तब थोड़ी सी आराम मिलेगा। पानी देखे, पानी के अंदर भी बोतल पूरी अंदर जम चुकी है भाई साहब, ठंड दे देखे बोतलें पूरी जम चुकी है अंदर से। और ये जो हमारा सब्जी वाला पैन था वो थोड़ा सा अभी बाकी रह गया है। बहुत ही गजब ठंड है, गजब। और यहाँ पे हमारे दूसरे बाशिंदे भी उठ गए हैं, बाहर पूरी बर्फ जम चुकी है तो थोड़ा सा संभाल के निकले। और थोड़ा सा टाइम लैप्स के लिए थोड़ा सा सेटिंग करा जाए, चले आपको दिखाना है अच्छा सा टाइम लैप्स। उस पहाड़ी से पहाड़ी के ऊपर पूरे सनराइज फर्स्ट गिरेंगे, फिर पूरी पहाड़ी पे धूप निकलेगी आधे घंटे के बाद ही। तो चले सेट करते हैं इसको।